भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में शनिवार सुबह एक बार फिर से तनाव उपज गया है। इस बार तनाव कस्बे के बड़ा मंदिर चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने लगी भगवा झंडियों को हटाने पर हो गया है। शुक्रवार रात किसी ने मंदिर के सामने लगी सभी झंडियों को हटाकर एक तरफ रख दिया। शनिवार सुबह मंदिर में लोगों को देखते ही उनका आक्रोश फूट गया। कुछ देर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो गए। बात कर रही हूँ भीलवाड़ा की। मामले की सूचना पर आसिंद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उधर लोगों की भीड़ देखकर व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसिंद सीओ लक्ष्मण राम भाकर और थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे। वहीं आसिंद विधायक जब्बर सिंह भी वहां पहुंच गए। जानकारी के अनुसार कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास कुछ दिनों पहले ही मार्ग पर भगवा झंडे लगाए गए थे। शुक्रवार रात को किसी शरारती तत्व ने इन सभी झंडों को हटाकर एक तरफ पेड़ से बांध दिया, जिसके चलते लोग आक्रोशित हो गए। अधिकारियों की ओर से लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से आसिंद को भी संवेदनशील मानते हुए यहाँ पहले ही पुलिस बल तैनात किया हुआ है। आसिंद कस्बे में कुछ दिनों पहले ही एक युवती से रेप के मामले में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था। लोगों ने आरोपी की कार से तोड़फोड़ की थी, साथ ही आरोपी को भी पीटा था, जिससे कस्बे में तनाव फैल गया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।